हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। आस्क पीएस में आपका स्वागत है। यहाँ पे कमेंट्स आया है कि व्हाट इज एयरवे बिल। यस, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा एयरवे बिल क्या होता है, AWB। आपको कोई भी क्वेरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो आप यहाँ पे आस्क पीएस करके कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो यस, व्हाट इज एयरवे बिल। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे तीन वे है एक्सपोर्ट करने के, बाय एयर, बाय सी और बाय रोड। तो जब हम बाय एयर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको मिलता है एयरवे बिल, AWB, एयरवे बिल मिलता है, जो एयरलाइन इश्यू करती है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाय एयर तो एयरवे बिल मिलता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाय सी तो हमें मिलता है BL, बिल ऑफ लेडिंग, जो शिपिंग लाइन इश्यू करती है। और हम जब रोड इशू, जब बाय रोड एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको मिलता है जो LR मिलता है, ट्रक वाले जो है, लाइक ट्रांसपोर्टर जो है इशू करते, लॉरी रिसिप्ट बोलते हैं LR। और बाय ट्रेन से जाता है तो RR मिलता है, रेलवे रिसिप्ट मिलता है हमको। यस, तो यहाँ पे ये वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा एयरवे बिल। तो एयरवे बिल एक ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब हम कार्गो डिलीवर करते हैं एयरलाइन को, जब कस्टम क्लियरेंस करने के बाद जब हम कार्गो डिलीवर करते हैं एयरलाइन को, तब एयरलाइन हमको एक जो है डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, एक प्रूफ इश्यू करता है जिसको के हमने कार्गो रिसीव किया है, वो प्रूफ को बोलते हैं एयरवे बिल, AWB। एयरवे बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रूफ है कि कार्गो एयरलाइन ने लिया है, रिसीव किया है। तो एयरवे बिल जब इश्यू होते हैं तो इश्यू कौन करता है, एयरवे बिल जो है इश्यू करता है एयरलाइन। तो एयरवे बिल जो है वो एयरलाइन इश्यू करती है। एयरवे बिल में डिटेल क्या क्या आती है तो मैं आपको बताता हूँ एयरवे बिल में क्या क्या डिटेल आएगी। सबसे पहले नाम आएगा एक्सपोर्टर का, नाम आएगा किसका नाम आएगा, एक्सपोर्टर का नाम आएगा। उसके बाद नाम आएगा इंपोर्टर का कि कौन इंपोर्टर है, उसके बारे में नाम आएगा। फिर वहाँ पे डिटेल आती है कि एयरपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, कि किधर से जो है गुड्स जा रहा है, कार्गो जा रहा है और कौन से डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तो उसमें आता है कि एयरपोर्ट ऑफ लोडिंग एंड एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। फिर डिटेल आती है कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से जा रहा है और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये जो सारी डिटेल है वो एयरवे बिल में आती है। फिर पेमेंट, जो इनको टर्म्स होती है वो भी उसमें मेंशन करनी पड़ती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आता है, क्या आता है कि कौन सी प्रोडक्ट है, कितना वेट है, कितना साइज है, सारी चीज़ HS कोड के साथ वो एयरवे बिल में मेंशन होती है। और एयरवे बिल जो, और उसके साथ एयरवे बिल का कितना भाड़ा लगा वो भी वहाँ पे नीचे मेंशन होता है। तो जब एयरवे बिल के अंदर सारी चीज़ें डिटेल जो है वो मौजूद होती है, और एयरवे बिल जो है एयरलाइन इश्यू करती है। यस, तो जब आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे तब आपको मिलेगा एयरवे बिल, जो AWB बोलते हैं शॉर्ट में, जो एयरलाइन इश्यू करते हैं। और भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए आस्क पीएस करके, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। और मेरा सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियोज एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।